हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका टाइटल है डेटा सिलेक्शन मेथड्स ऑफ रॉ क्वेरीज। बिल्कुल, पिछले वीडियो में हमने बात किया था ऑल अबाउट रॉ क्वेरीज, जहाँ हमने देखा था ऑल अबाउट इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉ क्वेरीज के ऊपर, जहाँ हम देखने वाले हैं डेटा सिलेक्शन कॉन्सेप्ट। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो पिछली वीडियो में फ्रेंड्स, हमने जो कॉन्सेप्ट कवर किया था, दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट ऑफ रॉ क्वेरीज। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ऑल अबाउट सेलेक्ट डेटा। सो हम चलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, जाएं कंट्रोलर्स के अंदर और ओपन करने वाले हैं स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी। ये कंट्रोलर क्लास हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और मेथड डिफाइन करने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन सेलेक्ट डेटा। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट केस टू सेलेक्ट ऑल द डेटा व्हाट वी हैव इनसाइड दिस टेबल। सो यहाँ पर इस टेबल में हमारे पास 500 नंबर ऑफ रोज हैं, हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट केस में सभी डेटा को सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ SQL क्वेरी को हम लिखने वाले हैं, जो कि रॉ क्वेरी होने वाला है। सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फॉर्म टेबल नेम कॉल्ड स्टूडेंट्स। हम करने वाले हैं दिस डीबी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कॉल करने वाले हैं क्वेरी मेथड और इसके अंदर पास करने वाले हैं SQL वेरिएबल। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट वीडियो है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि आपको आसान हो जाए हर वीडियो के साथ कंटिन्यू करना। क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं हमने यूज़ किया दिस डीबी, अगर आपने यहीं से स्टार्ट किया हो तो मे बी कन्फ्यूजिंग हो, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूजिंग डीबी कनेक्ट हेल्पर फंक्शन। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, दिस डीबी क्वेरी SQL वेरिएबल हम इसे स्टोर करने वाले हैं डेटा के अंदर और हम इसे प्रिंट करने वाले हैं। सो बिफोर दैट हम यूज़ करेंगे PRE टैग टू फॉर्मेट आवर आउटपुट प्रिंट आर एंड डेटा। यहाँ पर कमांड पैलेट ओपन करने के जो शॉर्टकट की है, एज पर माय सेटिंग्स कंट्रोल पी, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक कमांड पैलेट है। यहाँ टाइप करने वाला हूँ फाइल नेम दैट इज routes डॉट पी एच पी। तो सक्सेसफुली इसने उस फाइल को ओपन किया फ्रॉम ऐप एंड कॉन्फिग फोल्डर, या सिंपली हम जाएंगे अपने ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग फोल्डर के अंदर, और हम ओपन करने वाले हैं routes डॉट पी एच पी। अब यहाँ इस लिस्ट में एक राउट को हम ऐड करने वाले हैं, सो मैं यूज़ करने वाला हूँ routes ऑब्जेक्ट गेट मैथड, इट इज सेलेक्ट हाइफन डेटा, एरे सिंटैक्स, हम कॉल करने वाले हैं स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास एंड सेलेक्ट डेटा मैथड। सो सेलेक्ट डेटा मैथड, सेव करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सब ऑलरेडी स्टार्टेड है। सो ओपन लिंक आफ्टर दिस लैंडिंग पेज URL / सेलेक्ट हाइफन डेटा, तो हमारे पास एक आउटपुट है, ये है रिजल्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास ऐसा कोई आउटपुट नहीं है जिसमें इन सभी डेटाज को हम देख सकें, इंस्टेड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑफ रिजल्ट टाइप, जिसके अंदर हमारे पास कुछ कनेक्शन डिटेल्स हैं, साथ ही साथ अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू 500। तो हमें चाहिए डेटा सेट, तो उसके लिए यूज करने वाले हैं कुछ मैथड्स, चलते हैं कंट्रोलर मैथड के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले मैं यूज करना चाहूंगा कनकैटिनेशन ऑपरेटर के साथ कॉल गेट रिजल्ट मैथड। तो सिंपली सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एरे के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऑफ एरे है। अब बात करते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्ट, हमें क्या चाहिए, एरे के अंदर एरे। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट या तो हम यही पास कर दें इस पैरेंथेसिस के अंदर एक एरे कीवर्ड, सेव करने के बाद रीलोड करें तो हम देख पाएंगे एरेज विद इन अ पैरेंट एरे। साथ ही साथ अगर हम ये नहीं करना चाहते, हम इसे रिमूव कर देते हैं और हम करने वाले हैं गेट रिजल्ट एरे। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पर, रीलोड करते हैं, तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट आउटपुट है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट
तरीके का रिटर्न देता है उसे कन्वर्ट करना एरे में। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर पास करना है एरे कीवर्ड या हमें यूज करना है गेट रिजल्ट एरे मैथड। अब बात करें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट डेटा की, जैसे मान लेते हैं हमें चाहिए 6th नंबर डेटा, हम यहाँ चलते हैं, यूज करेंगे वेयर कंडीशन वे आई डी इक्वल्स टू 6, सेव करने के बाद रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक एरे है। इस एरे के अंदर हमारे पास एक सिंगल इंडेक्स है ऑफ दिस 6th नंबर आईडी, बट यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे हमारे पास एक ही रो है, तो क्यों हम इस एरे के अंदर एरे स्टोर करें? सिंपली क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है जिससे कि ये सिंपल सा एरे रिटर्न हो जाए? ऑब्वियसली वी हैव। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे गेट रिजल्ट के प्लेस पर हम यूज़ करने वाले हैं गेट रो। सेव करने के बाद हम रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक सिंगल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जहां पर केवल एक ही वैल्यू है। अब इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना एरे में तो सिंपल, या तो हम यही पास कर सकते हैं एरे कीवर्ड, रीलोड करेंगे ओके, आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब ये एरे कीवर्ड हम यहां पास नहीं कर सकते, ये सिर्फ एप्लीकेबल है गेट रिजल्ट एरे मैथड के लिए। बट यहाँ फ्रेंड्स डोंट वरी, हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज गेट रो एरे। सेव करने के बाद रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारा वो आउटपुट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का आउटपुट कन्वर्ट हो चुका है इन एरे फॉर्मेट। तो सक्सेसफुली हमारे पास कुछ डेटा सिलेक्शन मैथड्स हैं जैसे कि गेट रिजल्ट, साथ ही साथ हमारे पास है गेट रिजल्ट एरे, या हम इसे यूज कर सकते हैं गेट रिजल्ट एरे मीन सॉरी गेट रिजल्ट, इसके अंदर हमारे पास होने वाला है एक एरे कीवर्ड। उसी तरीके से सिंगल डेटा के लिए दिस इज फॉर ऑल डेटा, सिंगल डेटा के लिए हमारे पास होने वाला है गेट रो जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, और अगर मैं बात करूं एरे फॉर्मेट में तो हमारे पास होने वाला है गेट रो एरे। एक और बात बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं गेट रो एरे अगर हम इसे रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हमारे पास जो आउटपुट दैट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो एक और हम सिंटैक्स को देख लेते हैं, अगर हम यूज करें गेट रो ऑब्जेक्ट, सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट सेम आउटपुट है। तो कहने का मतलब है या तो हम यूज कर लें गेट रो या गेट रो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होने वाला दैट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हम देख पाए हैं गेट रिजल्ट एंड गेट रिजल्ट ऑब्जेक्ट। बट वहीं अगर हमें चाहिए एरे फॉर्मेट में तो हम यूज कर सकते हैं गेट रिजल्ट एरे या गेट रिजल्ट के अंदर एरे कीवर्ड। तो सक्सेसफुली यहां फ्रेंड्स हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सिलेक्शन मैथड्स। तो फाइनली लास्ट वीडियो और इस वीडियो को इंक्लूड करके हमने रॉ क्वेरी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, जहां हमने देखा ऑल अबाउट इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट एंड फाइनली कंप्लीटेड सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था आपके लिए, सो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।